हाय गाइस, इस वीडियो में हम सेकंड वेरिएशन की बात करते हैं YDSC से। तो इसमें क्या है, हम एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो स्लैब से क्या होगा, थोड़ी देर के लिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम आएगा, मगर पूरे में नहीं। ठीक है, तो अब उस वेरिएशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें एक टर्म जो कि ऑप्टिकल पाथ है उसको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या है? ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इन विच इट ट्रेवल्स गिवन पाथ लेंथ इन अ मीडियम। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी ऑड सी लगती है। मान लेते हैं ए और बी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, पानी है थोड़ी सी जगह, मान लो यहाँ पर पानी भरा हुआ है एंड कुछ और भी है। ठीक है, तो इनके बीच की कुछ दूरी है, लेट से 10 मीटर्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ कुछ मीडियम भरे हुए हैं, यहाँ वाटर है, यहाँ ऑयल है, तो लाइट को ना जो टाइम लगेगा ए से बी पहुँचने में वो 10 बाय सी इन वैक्यूम नहीं होगा। ठीक है, 10 बाय सी इन वैक्यूम से इनफैक्ट ज़्यादा होगा। तो उस ज़्यादा टाइम में जब ये लाइट ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, तो ऑब्वियसली 10 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, दोबारा से, ए से बी जाने का टाइम 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा वो हम लिख भी सकते हैं, लेट से ये कुछ है, ये कुछ है, तो हर किसी का टाइम निकाल के उसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी इन दैट मीडियम से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। तो मैं बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिक पाथ के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं पूरे में वाटर भरा हुआ है, ऑयल को हटाओ। ठीक है, तो उसको जाने में एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? टाइम लगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट है तो वाटर, तो म्यू ऑफ वाटर से डिवाइड करना पड़ा, इतना टाइम लगा उसे। तो इतने टाइम में जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो कितना ट्रैवल करेगी? सी ऑफ वैक्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ बिटवीन ए एंड बी व्हेन वाटर इज फिल्ड इज एक्चुअली 10 टाइम्स म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, 10 मीटर को म्यू ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही हमने यहाँ किया है। मान लेते हैं इफ द लाइट ट्रेवल्स ए पाथ डी इन अ मीडियम एट स्पीड सी, देन द टाइम टेकन विल बी ऑब्वियसली डी बाई सी, सो द ऑप्टिकल पाथ इज सीन वैक्यूम इज दिस, वेयर एज सीन वैक्यूम अपॉन सीन मीडियम इज म्यू, म्यू इनटू डी। तो हम क्या याद रखेंगे अब, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ओ पी ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ जी पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हर जगह हम सीधे सीधे एज इट इज लगा देंगे। हाँ, दो मीडियम होंगे तो छोटा छोटा हमें ब्रेक करके करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी और मीडियम में स्लो हो गई, उसने ज़्यादा टाइम लिया तो लाइट को लगा कि वो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस है वो था 2π/λ, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, एक्चुअल में जो अभी तक हम पाथ डिफरेंस वगैरह बोल रहे थे वो एक्चुअल में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था, विच इज इक्वल टू 2π/λ इंटू ऑप्टिकल पाथ। ओके, 2π/λ इंटू ऑप्टिकल पाथ इंटू डेल्टा एल था। ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स। ठीक है, और शुरू के कितने 60 मीटर में वाटर है जिसका म्यू कितना है, 4/3, और उसके बाद कुछ ऑयल है 40 मीटर्स जिसका म्यू है 1.5।
तो आपको ऑप्टिकल पाथ बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो आप बोलेंगे भाई ऑप्टिकल पाथ क्या है ए और बी के बीच का, होगा 4/3 × 60 प्लस 40 × 1.5, दैट विल कम आउट टू, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 मीटर्स प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर्स। तो 140 इज द एक्चुअल ऑप्टिकल पाथ बिटवीन ए एंड बी। लाइट को ऐसा लगेगा दैट इट इज़ ट्रैवलिंग 140 मीटर इंस्टेड ऑफ 100 मीटर्स। अब देखते हैं कितना फ्रिंज शिफ्ट होता है एक स्लैब अगर हम एक स्लिट के सामने रख दें। तो यहाँ से पीछे से पैरेलल रेज आ रही हैं, बोथ द सोर्सेज आर इन फेज। यहाँ पर पहले कुछ पाथ डिफरेंस हुआ करता था, विच वॉज S2P - S1P, मगर हाँ हमने एक छोटी सी स्लैब रख दी, ठीक है। तो अब स्लैब रखने से क्या हुआ, बहुत बहुत ध्यान से देखें। मान लेते हैं ये स्लैब है, ठीक है, दिस स्लैब। स्लैब में लाइट ने ट्रेवल किया टी, ज्योमेट्रिकल पाथ, मगर क्योंकि इसका इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लाइट को ये जो थिकनेस थी वो टी ना लग कर कितनी लगी, म्यू टी, ठीक है। तो आपने S2P जो आपके लिए नया S2P है, बहुत ध्यान से सुने, वो है पुराना S2P में से टी माइनस हुआ, ये थिकनेस माइनस हुई, और इसकी जगह आपने क्या ऐड कर दिया, म्यू टी। दिस इज द न्यू S2P, ठीक है, दिस इज द न्यू S2P। बहुत ध्यान से, हमने ये थिकनेस हटाई, ये जो छोटी सी थिकनेस थी इसकी जगह हमने टी थिकनेस हटाई, हमने डाल दिया म्यू टी, ठीक है। ये ना सोचें कि ये किसी एंगल पर है तो टी से ज़्यादा, वो बहुत पतली सी स्लैब होती है, तो लाइट इस टाइप से जाए या इस टाइप से जाए कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक। द थिकनेस कवर्ड विल बी टी, ओके। तो दैट इज द न्यू S2P, ठीक है। तो S2P चेंज हो गया, S1P वही है क्योंकि यहाँ तो हमने स्लैब रखी नहीं S1P के रास्ते में, तो इसलिए कुछ पाथ डिफरेंस एडिशनल आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो पहले आता था वो नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चेंजेस नोटिस करते हैं। हाँ, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैसे हम नए पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकाल रहे हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पी। तो हमने कहा S2P की जगह हम रखेंगे पुराना वाला S2P - T, क्योंकि हमने ये थिकनेस उसमें से गायब की, और उस थिकनेस टी की जगह हमने म्यू टी ऑप्टिकल पाथ ऐड कर दिया -S1P। आप S2P - S1P तो पहले ही से जानते हैं, तो एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई ये, ठीक है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके स्लैब डालने से एडिशनल पाथ डिफरेंस जो आया है दैट इज़ μ-1t, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्लैब के डालने से जो एडिशनल पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ है हर पॉइंट पर वो ये था। तो हम ये जानते हैं कि ये कितना है, ये है d sin थीटा, और यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई d sin थीटा, पहले से ही हमने ये किया हुआ था, ये एडिशनल आ गया। और अब sin θ tan θ लगभग सेम, सो tan θ इज नथिंग बट y′ / D, और हमने वैल्यू डाल ली, तो दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है, टोटल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इनफैक्ट, टोटल OPD, ठीक है। इसी को जब हम जीरो रखेंगे तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा, इसको लैम्डा रखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, λ/2 रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, कुछ इस टाइप से उनकी लोकेशंस मिलने लग जाएंगी, ओके। लेट से हम सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन निकालते हैं। अभी हमने पाथ डिफरेंस जो आपने निकाला वो था y d/d + t μ-1, सॉरी स्मॉल डी ऊपर कैपिटल डी नीचे, t μ-1, दैट इज द टोटल पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट वाई है। तो हम निकाल रहे हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा टोटल पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो। तो हमने कहा वाई की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले गए, t μ-1 d/d, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ आई, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने नीचे वाली स्लैब पर और स्लिट के सामने स्लैब रखी है। तो अब बीटा तो बदला नहीं, बीटा इज लैम्डा d/d,
लैम्डा वही, क्योंकि वापस से एयर में आ गई थी ना, स्लैब में गई, वेवलेंथ वापस आ गई, लैम्डा वही, डी वही, ये स्मॉल डी भी वही, तो बीटा बदला नहीं। अगर हमें ये पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं सेंटर से थोड़ा खिसक गया है, लेट्स से दिस इज द न्यू पोजीशन, और उसके बाद बीटा है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो वो भी कितना खिसका होगा उतना ही। तो हम बोल सकते हैं कि शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, शिफ्ट इज शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू द शिफ्ट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा या फिर nth ऑर्डर मिनिमा। तो हम शिफ्ट ऑफ द होल पैटर्न निकाल रहे हैं, विच इज दिस म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, दिस इज द शिफ्ट, ठीक है। और शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, नो चेंज इन वेवलेंथ और फ्रिंज विड्थ टेक्स प्लेस, ठीक है। दोबारा से हमने क्या किया, हमने यहाँ दो सोर्सेस थे S1 S2, बहुत इसको ध्यान से समझें, और ये पहले सेंटर हुआ करता था, यहाँ से जो लाइट पहुँचती थी और जो यहाँ से लाइट पहुँचती थी, मान लो वो दोनों ही 500 लैम्डा कवर करके आते थे, ठीक है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस कुल मिलाकर 0 हुआ करता था। अब आपने एक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस मान लेते हैं लेट से कुछ थी, कितनी थी, 2 लैम्डा मान लेते हैं, और म्यू की वैल्यू 1.5 है, म्यू इक्वल 1.5। तो लाइट को ये जो डिस्टेंस है ये 2 लैम्डा नहीं लगा, ठीक है। आप वो भी देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। एयर में क्या हो रहा था, एयर में लाइट ऐसे चल के जा रही थी, वन वेव लेंथ टू वेव लेंथ पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वन वेव लेंथ और फिर यहाँ से यहाँ तक टू वेव लेंथ। बट जैसे ही आपने मीडियम डाला, वेव लेंथ छोटी हो गई, वेव लेंथ छोटी हो गई, तो मतलब 3 वेवलेंथ आने लगी उतनी ही देर में, वन वेव लेंथ टू वेव लेंथ एंड 3 वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर वेव उसको ऐसा लगा कि इस मीडियम में वेवलेंथ छोटी हो गई, तो पाथ लेंथ 3 लैम्डा हो गया, या फिर ऐसा करें हम, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स मीन्स म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिक पाथ विच इज 2 लैम्डा, तो 3 लैम्डा यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो 3 लैम्डा होता है। तो यहाँ पर अब पाथ डिफरेंस आने लगा, ये पूरा रास्ता 2 लैम्डा कम हुआ था, 3 लैम्डा बढ़ गया, तो 501 लैम्डा का हो गया, ठीक है। अब नीचे कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये जो पाथ है S1 से और S2 से सेम पाथ लेंथ कवर करते होंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें मिल गया ना, अब यहाँ पाथ डिफरेंस क्या आ गया, लैम्डा, ऊपर वाला पाथ 500 ही रहा, नीचे वाला 500 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1.5 × 2 लैम्डा आ गया था, तो ये हो गया 501 लैम्डा। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 1 लैम्डा का, या फिर कहें म्यू माइनस 1 t का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो सेंट्रल मैक्सिमम नीचे खिसका, और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम नहीं, सारी चीज़ें नीचे से खिसक गई बाय द सेम अमाउंट एंड दैट शिफ्ट इज दिस, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन काम के हैं, एडिशनल पाथ डिफरेंस इज म्यू माइनस 1 t ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब, और शिफ्ट म्यू माइनस 1 t कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है, ओके।